आखिरी दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। दास्तान गोई क्या चीज है, मैं नहीं समझता कि इसके बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 14 साल से लगातार आप लोग दास्तानें सुन रहे हैं नए फॉर्म में। तो बकौल गालिब, दास्तान गोई के सिलसिले में ये एक शेर अर्ज करता हूं कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। हाजरीन, सबसे पहले गुजरे जमाने के दास्तान गोयों का शुक्रिया कि अपने फन के जौहर को अगर किताबों में न समझोते तो ये नायाब चीज हम तक न पहुंच पाती। मोहम्मद हुसैन जा से लेकर अंबा प्रसाद रसा और उनसे लेकर मीर बाकर अली और नए जमाने में शमसुर रहमान फारूकी साहब का शुक्रिया। हाजरीन, इस शो के डायरेक्टर राइटर महमूद फारूकी और शो की प्रोड्यूसर उनकी बीवी अनुषा रिजवी का शुक्रिया कि पिछले 14 साल से बगैर थके इस फन को मकबूल बनाने में वो जुटे हुए हैं और उन्हीं की डेडिकेशन का नतीजा है कि आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि अगले साल 15वीं जयंती मनाएंगे। हाजरी पेश है दास्तान राजा विक्रम के इश्क की। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता सबूत। मोहब्बत मसबक, मोहब्बत सबक, मोहब्बत से आते हैं कारे अजब। मोहब्बत बिन जान न आया कोई, मोहब्बत से खाली न पाया कोई। मोहब्बत ही इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ जमाने में है। मोहब्बत की आतिश से अखगर है दिल, न होवे मोहब्बत तो पत्थर है दिल। मोहब्बत लगाती है पानी में आग, मोहब्बत से है उसकी बस्ती ऐसी थी कि चप्पा रखने की जगह न मिलती थी। अरे साहब, भरा भरा वो नगर आनंद बधाए घर घर, बाग बगीचे सैर तमाशा को लगे हुए, दरख्त मेवों से झूलते हुए, क्यारियों में फूल खिलते हुए, तालाबों में कमल खिलता हुआ, पनघट लगा हुआ, पावलियों में पानी छलकता हुआ, फव्वारे छूटते हुए, हर एक कुएं पर रहट चलता हुआ, चादरों से पानी बहता हुआ, आप जुए हर तरफ जारी है। बयान इस तरह फरमाते हैं कि सुन राजा विक्रम, ये कथा है श्रावस्ती नगरी के गांव की कि उस गांव में एक बनिया रहता था। उस बनिये की अपनी पंसारी की दुकान थी कि एक रोज काम के सिलसिले में उसे शहर जाना हुआ। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जाट से हुई। जाट बड़ा परेशान था क्योंकि वो शहर जा रहा था एक महाजन के पास अपने सूद की रकम चुकाने के वास्ते। हुआ कुछ यूं था उस जाट के जीवन में कि जाट के परदादा ने उस महाजन के परदादा से अपने जमाने में 100 रुपए उधार लिए थे अपने बाप के श्राद्ध के वास्ते, जो उसे चुका नहीं पाया था। अब 50 साल में वो रकम इतनी बढ़ गई कि सूद समेत 1000 रुपए तक पहुंच गई थी। अब जाट बेचारा बड़ा परेशान कि अगर सूद की रकम ना चुकाई तो उसके हाथ से उसकी जमीन का टुकड़ा निकल जाएगा। अब जो जाट को इतना परेशान देखा तो उस बनी को शरारत सूझी और उसने कहा, जाट रे जाट, तेरे सर पे खाट। राजा विक्रम की जय बोलो, राजा विक्रम की जय बोलो। यहाँ पे दास्तान गो ने अपने दास्तान को रोका, राजा के चेहरे की तरफ देखा। राजा विक्रम ने जो इस गप में अपना नाम सुना, मुस्कुरा उठा। अब जैसे ही वो मुस्कुराया, दीवान चिल्लाया कि बजाओ नगाड़े और बजाते ही रहो कि राजा विक्रम मुस्कुरा उठा है। अब जैसे ही प्रजा में ये खबर फैली, ये हर्षोल्लास का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंकने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, मंत्रोच्चार होने लगे और जितनी भी अप्सराएं उस सभा में मौजूद थी सब पिचकारियां खेलने लगी, फूल बरसाने लगी। तब चौबोली ने अपना असली रूप दिखाया। जैसे ही चौबोली ने अपना असली रूप दिखाया, राजा विक्रम अचंभित हुआ। चौबोली ने अपना परिचय दिया। राजा विक्रम ने कहा कि चौबोली, मैंने तेरे बारे में सिर्फ सुना था, आज तेरे हुस्न को देख भी लिया।
कि तू सचमुच कुशल और कुशाग्र बुद्धि है। वचन था कि जो मेरे मुख पर हंसी लाएगा वो यहां का राजपाट संभालेगा, तो तू मेरी रानी बन जा, ये राजपाट संभाल और मैं तेरी प्रजा बन के रहूंगा। चौबोली ने कहा कि हे राजा विक्रम, तेरे मन का भाव मेरे सर आंखों पर मैं तेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। ये सुनना था कि राजा विक्रम का दिल फिर मलिन हुआ। इस पर रानी चौबोली ने कहा कि राजा विक्रम, मैं तेरे हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित करने आई थी, क्योंकि दिल लगाना जीवन है और दिल मोड़ना मौत है। तू मुझसे प्रेम कर, मैं भी तुझे चाहती रहूंगी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही संसार है।